अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, एनालिटिकल रीजनिंग। और ये भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, ये NTS टेस्ट में, NTS के और NT टेस्ट में, NATS के, GATS के और बाज़ यूनिवर्सिटीज में MPhil के टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। और इवन के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है, उसके MPhil के टेस्ट में भी 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए जरा इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। और अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर गए तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। अब चले आज हम नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, जरा ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना आपने। सवाल ये है कि आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ये जो हमारा सवाल है, ये चंद कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास सात बंदे हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जो किसी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और सबका जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ है। कि सात बंदे किसी बेंच के ऊपर बैठे हैं और उनका सबका मुंह किस तरफ है? ईस्ट की जानिब, यानी कि मशरक की जानिब। दूसरी कंडीशन ये है कि सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, कि जो सी है वो डी के फौरन राइट साइड पे आएगा। कि सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि जो सी है वो डी के फौरन बाद राइट साइड पे आएगा। बट नॉट नेक्स्ट टू एफ, और एफ बट नॉट नेक्स्ट टू एफ, यानी कि एफ के बाद नहीं। उसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन है कि बी इज एट द एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई एज हिज नेबर। अब कहता है कि फर्ज किया इस तरह आपका कोई बेंच है, तो कहता है या तो बी इस एंड पे होगा लास्ट पे, या फिर इस एंड पे होगा और ई जो है वो उसका नेबर होगा, हमसाया होगा, यानी कि ई बी के साथ आएगा। यानी कि इसकी कंडीशन ये है कि बी इज एट द एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई एज हिज नेबर, कि बी जो है वो उस बेंच के लास्ट पे पाया जाएगा। अब वो इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ कौन आएगा? ई उसका नेबर होगा। नेक्स्ट कंडीशन है जी इज बिटवीन ई एंड एफ। अब जो जी है कहता है वो ई और एफ के दरमियान आएगा। और लास्ट कंडीशन है डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, कि जो डी की पोजीशन है अगर वो साउथ साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करें तो उसकी थर्ड पोजीशन होगी। ठीक है, कि साउथ से जब हम काउंट करें तो डी की थर्ड पोजीशन होगी। मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। अब हमारे पास जो है, मैं आपको साथ समझा भी देता हूं और इंशाल्लाह इसी में से आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले कंडीशन जो है ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। कहता कोई बेंच है, उसके ऊपर बैठे हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ये सात बंदे किसी टेबल पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं और इन सब का जो मुंह है वो किस तरफ है? ईस्ट की जानिब, मशरक की जानिब। ये होगी पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। कहता है जो सी है वो क्या है? डी का इमीडिएट राइट साइड पे पाया जाएगा, यानी कि अगर इस तरह डी है तो फिर सी ऐसे आएगा, क्योंकि सी जो है वो इमीडिएट है राइट ऑफ द डी, कि डी के राइट साइड पे फौरन सी आएगा। ये हमारी है दूसरी कंडीशन। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि
कि बी इज एट द एक्सट्रीम एंड, के बी जो है वो लास्ट पे है, वो इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है उस बेंच के, लेकिन उसके साथ क्या होगा, ई एज हिज नेबर, ई उसका क्या होगा, हमसाया होगा, यानी कि जो बी है बी के साथ ई की पोजीशन भी आएगी। अब वो इस तरह भी हो सकता है कि अगर टेबल पड़ा हुआ है तो वो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि बी अगर इस साइड पे है उस बेंच के तो बी आ गया और साथ ई, या फिर ये भी हो सकता है कि बी इस एंड पे हो और यहाँ पे उसके साथ ई उसका नेबर हो। बस क्या ये टेबल है ना हमारे पास, बस ये बेंच है, तो अगर बी उसने कहा एंड पे होगा, बी या तो इस एंड पे हो सकता है या इस एंड पे, और ई उसका नेबर होगा तो ई बाहर तो नहीं ना आएगा, ई या फिर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ये उसकी ई की पोजिशन होगी। ये हमारी थी तीसरी कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, कि जो जी है वो ई और एफ के दरमियान आएगा, ये मैंने लिख दिया ई और एफ जी इसके दरमियान, या ये कंडीशन भी हो सकती है एफ जी और ई, दोनों साइडों से हमने देखना है ना कि उस बेंच की दोनों तरफ से देखना है, इस तरफ भी बैठे हो सकते हैं, इस तरफ भी बैठे हो सकते हैं, इसलिए उसकी ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब उसके बाद लास्ट कंडीशन ये है कि डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, कि जो डी है कहता वो साउथ एंड से तीसरी पोजीशन पर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह आ जाते हैं पोजीशंस, एक दो तीन चार पांच सेवन, ये मेरे पास सेवन पोजीशन है। अब देखो ये जो फोर्थ की कंडीशन थी, जो सॉरी फिफ्थ, इसमें क्या था, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, ये मैंने डायग्राम में ना बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और लास्ट कंडीशन ये है कि जो डी है वो साउथ से तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, मतलब कि यहां से काउंट करें वन टू थ्री, तो डी कहां पे होगा, ये पोजिशन होगी डी की थर्ड नंबर पे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी कंडीशन क्या थी, कि सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, कि जिधर भी डी आएगा डी के फौरन बाद सी की पोजीशन है, यानी कि ऐसे अगर डी आ रहा है तो उसके साथ सी आएगा, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी कि सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो इसका मतलब है कि अगर डी यहाँ पे आ गया तो फिर इसके साथ कौन आ जाएगा, सी, ये मेरे पास बन गया। अब उसके बाद हमने देखनी है थर्ड कंडीशन, बी इज एट द एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई एज हिज नेबर, कि जो बी है या तो वो इस एंड पे होगा या फिर इस एंड पे होगा। अब देखें अगर मैं यहाँ पे बी लिख दू ई की जगह नहीं बचती, तो इसका मतलब है कि जो बी है हमारा वो इस एंड पे नहीं आएगा, फिर इट्स मीन के वो इस एंड पे आएगा, ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। इधर अगर B आता है तो फिर इसके साथ कौन आ जाएगा, E, यह हमारी कंडीशन भी हो गई। उसके बाद क्या था, G is between E and F, कि जो G है वो E और F के दरमियान आएगा, तो इसका मतलब ये अगर E आ गया तो फिर यहाँ पे F होगा और इनके दरमियान कौन आ गया, G, यही कंडीशन थी कि G is between E and F, E और F के दरमियान G आ गया, तो फिर बाकी एक बचा वो A, यहाँ पे आ जाएगी ए की पोजीशन। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, हु इज सिटिंग टू राइट ऑफ ई, कि ई के राइट साइड पे कौन बैठा है, ये ई है, ई के राइट साइड पे कौन है, जी। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है, ए है, सी है, डी है या नन। अब यहां पे हमने देखा कि ई के राइट साइड पे है जी, अब ई के राइट साइड पे जी है लेकिन इसमें जी वाला ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन नंबर वन में, तो इसका आंसर आ जाएगा नन, मतलब कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, कहता है ये बताओ
कि दोनों एंड पे कौन कौन सा बंदा बैठा हुआ है, यानी कि कौन सा पेयर बन रहा है, किस किस का पेयर बन रहा है जो लास्ट पे बैठे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो वो हमने यहाँ से देख लेना, एक एंड पे कौन है ए, दूसरे एंड पे कौन है बी, इसका मतलब ए और बी आएंगे। तो दूसरा सवाल जो है उसमें ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए ई, तीसरा सी बी, चौथा ऑप्शन है एफ बी। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि एक एंड पे ए है दूसरे पे बी, मींस के ए बी का पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमने नेक्स्ट सवाल देखना है, थर्ड वाला, द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड, कहता है कि ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ पोजीशन है, तो यहां से कहता है ये बताओ कि थर्ड नंबर पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है। तो यहां से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, जी। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, एक तो ई एफ जी डी, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, जी, क्योंकि द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड। तो नॉर्थ एंड ये मैंने डायग्राम बनाई है, यहां से अगर डायरेक्शन का पता ना चले तो इस डायग्राम से देख लेना आपने। तो नॉर्थ कौन सी है, ये पोजीशन है, यहां से 1 2 3, 3 नंबर पे कौन सा था, जी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, जी। नेक्स्ट सवाल है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डी सिटिंग, कहता है किस पेयर के दरमियान में डी आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है ए सी, बी ऑप्शन है ए एफ, सी ऑप्शन है सी ई, डी ऑप्शन है सी एफ। तो ये भी हम यहीं से देखेंगे कि जो हमारा डी है वो कौन से पेयर के दरमियान लाई कर रहा है। ये हमारे पास डी है, तो डी किसके दरमियान आ रहा है, एफ और सी के दरमियान। ये देखो जो एफ और सी के दरमियान आ रहा है डी, तो यही सवाल था, ये हमने देखा कौन सा ऑप्शन है, एफ और सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है हमारा, यही है ना, एफ और सी के दरमियान आ रहा है डी। लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फ्रॉम 1 to 5, कि ये जो हमारी कंडीशंस गिवन थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है, इन कंडीशंस को देख के कहता है ये बताओ, गिवन अबव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्लेस वेयर ए इज सिटिंग, कहता है बताओ कि क्या इन पांचों कंडीशंस, ये जो पांच कंडीशंस गिवन है, इनमें से कोई ऐसी कंडीशन है जिसके बगैर ए की पोजीशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि हमने जब ये चीज बनाई थी, इनकी ये जो सिटिंग प्लानिंग की थी, तो ए जो है हमें सबसे लास्ट पे पता चला था, सारी पांचों कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला था कि ए की पोजीशन है कौन सी है। तो इसका मतलब है कि ए की पोजीशन फाइंड करने के लिए इन सब कंडीशंस की जरूरत है, तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ रिक्वायर्ड्स, मतलब कि सारी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा, मैं बेहतर तरीके से उसको समझा दूंगा। और आपने ये वीडियो देखनी है, इसको शेयर भी करना है आगे, और दूसरा आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि मजीद जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।